Cyclothemic disorder. So uh, now we will discuss about the cyclothemia disorder. Cyclothemia disorder is known as a, a milder or chronic form of bipolar disorder. It is previously known as manic depressive disorder. Uh, in basically in cyclothemic disorder, the child may experience the cycle of low and highs. Take

द हाइपोमेनिक एंड द डिप्रेसिव स्टेट नैवर फुलफिल द फुल क्राइटीरिया ऑफ हाइपोमैनिक एपिसोड और द मेजर डिप्रेसिव एपिसोड सो वन द चाइल्ड इज लाइक स्विच इन बिटवीन दिज टू साइकिल्स एट दैट टाइम वी विल सेट द चाइल्ड मे एक्सपीरियंस साइक्लोथेमिक डिसडर सो अगर हम साइक्लोथेमिक डिसडर के सिम्टम्स की बात करें तो जब हम ये कह रहे हैं कि वो हाई साइड में होता है तो उस वक्त यानी जो हाइपोमैनिक फेज होता है उस वक्त चाइल्ड क्या एक्सपीरियंस कर रहा होता है माइट बी ही इज एक्सपीरियंसिंग एक्सट्रीम ऑप्टिमिज्म यानी बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी टू लाइफ जिसकी वजह यह भी हो सकती है कि उसके अंदर एनर्जी लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हुआ होता है और इसके साथ साथ इन्फ्लेटेड सेल्फ स्टीम यानी जो उसकी कॉन्फिडेंस लेवल है वो मोर देन एवरेज होता है ठीक है यानी वो इतना ज़्यादा है कि उसका अनफेमिलियर ओवर फेमिलराइज बिहेवियर जो है वो एक्सप्रेस हो रहा होता है इसके साथ साथ रेसिंग थाट्स जो है वो वो एक्सपीरियंस कर रहा होता है यानी उसकी प्रेशर ऑफ स्पीच जो है वो बहुत ज़्यादा होगी ड्यू टू रेसिंग थाट्स की वजह से ठीक उसके बाद उसका एग्रेसिव और हॉस्टाइल बिहेवियर भी हो सकता है एजिटेशन भी उसकी साइकोमोटर एजिटेशन भी वो एक्सपीरियंस कर सकता है जिसे हम रेस्टलेसनेस कह सकते हैं और ये जो सारी चीज़ें हैं वो अक्कर हो रही होती हैं ड्यू टू हाई एनर्जी लेवल देन पुअर जजमेंट यानी वो सही तरह जजमेंट पास नहीं कर सकता जैसे अगर वो बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर रहा है या किसी अनप्रोटेक्टिव सेक्शुअल एक्टिविटी या सब्सटेंस जूस की तरफ जा रहा है तो दिस माइट बी हैपन बिकॉज ऑफ द पुअर जजमेंट देन अगर हम लो साइड ऑफ साइक्लोथीमिया की बात करते हैं तो उसके अंदर जो सिम्टम्स हैं वो सैडनेस के हो सकते हैं होपलेसनेस के हो सकते हैं इन्जाइटी भी वो फील कर सकता है यानी अपना मूड जो है वो किसी हद हाँ तक एंशियस भी फील करे क्योंकि तो हमने अक्सर बात की है कि जब डिप्रेशन होता है तो उसमें सर्टन टाइम लोग जो हैं वो एंशियस भी हो जाते हैं देन गिल्ट फील करता है फटीक फील करता है क्योंकि एनर्जी लेवल जो है उसका लो हुआ हुआ होता है क्योंकि इस वक्त हम लो फॉर्म ऑफ साइक्लोथीमिया यानी जो डिप्रेशन वाला फेस होता है उसके बारे में बात कर रहे हैं देन इरेटेबिलिटी हो सकती है मूड के अंदर सुसाइडल ऑफ बिहेवियर जो है वो भी वो एक्सपीरियंस कर सकता है तो मेनली द प्रॉब्लम इज कि उसको हाई एंड लो फेस आ रहे होते हैं मगर ना तो हाई फेस पूरा हाइपोमैनिक फेज को एपिसोड के सिम्टम्स को कवर कर रहा होता है और ना ही जो डिप्रेशन है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के पूरे फीचर्स जो हैं वो फुलफ़िल कर रहा होता है तो इस तरह के जो बच्चे होते हैं आम तौर पर जो उनका एक्सपीरियंस ऑफ रैपिड मूड साइकिल होता है वो बहुत रैपिड uh, होता है इसके साथ साथ बहुत कम अर्सा ऐसा होता है जिसके अंदर उनका मूड जो है वो स्टेबल रहे यानी वो नॉर्मल मूड को एक्सपीरियंस करें आम तौर पर यह डिस में रिपोर्ट किया जाता है लेकिन इसका ऑनसेट जो है वो सिक्स पॉइंट फाइव ईयर तक मेन एज रिपोर्ट की गई है कि सर्टन टाइम जो है वो इसका ऑनसेट हो जाता है थैंक यू